ओम शांति। आज की तारीख है 11/12/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा के द्वारा चलाई गई थी 18/1/1993 में। आज की मुरली का शीर्षक है प्रत्यक्षता का आधार, दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व सामर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं भी संपन्न बनकर और सभी आत्माओं को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व सामर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई तो स्मृति ही सर्व सामर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुए। जैसे ही बाबा ने कहा, बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो बाबा से जैसे सारे खजाने, बाबा कहते हैं जैसे जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ ना, ऐसे सारे खजानों की चाबी बाबा ने हम सब बच्चों को सेकंड में दी। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना, जो मेरे बाप का खजाना वो मेरा खजाना, बाप के खजाने को अपना बना लिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। अभी 18 जनवरी है, उस दिन तो उसको स्मृति दिवस कहते हैं ना, 18 जनवरी को। तो बाबा कहें ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए, व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष बिल पावर बिल की। आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को अव्यक्त बनाकर व्यक्त साकार रूप में अपने बच्चों को विश्व के आगे, इस संसार के आगे प्रत्यक्ष किया और प्रत्यक्ष करने की बिल पावर बिल कर दी, माना पास कर दी। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे बिल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व बिल पावर्स बच्चों को बिल की। ब्रह्मा बाबा ने साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त जो बाबा के बच्चे हैं, जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जो बाबा की शक्ति सेना है, जिसको कुमार कुमारियों को बाबा क्या कहते हैं, शक्ति सेना, पांडव सेना, तो बाबा ने कहा अपना उनको, उन शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व बिल पावर्स, सारी अपनी जो शक्तियाँ हैं बच्चों को पास कर दी, बच्चों को शक्ति, वो शक्तियाँ दी, स्वयं अव्यक्त गुप्त गुप्त रूपधारी बन गए। अब ब्रह्मा बाबा तो स्वयं अव्यक्त हो गए और गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में बच्चों को प्रत्यक्ष किया उन्होंने, भक्तों बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के जो पावर्स थी, जो शक्तियाँ थी उसको बिल की। इसीलिए इस दिन को स्मृति दिवस बा समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं
उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। आज बाबा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं। अपने आप को बाप बच्चे इस सेवा में, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ाते हैं और भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ हैं। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसीलिए त्रिमूर्ति वरदान से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। तो तीनों वरदान बच्चों को मिले, पहले तो शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा बाबा का, फिर हमारी माँ मम्मा का, जगदम्बा अम्बा सरस्वती का वरदान भी बच्चों को मिला। तो जब ये तीनों वरदान बच्चों को मिले, उससे सहज सफलता का अधिकार अनुभव बच्चे करते हैं। आगे चलकर और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है। जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। हम सब बच्चों को क्या लगन है कि हमारा बाबा जल्दी से जल्द प्रत्यक्ष हो। तो वो किससे प्रत्यक्ष होगा, बाबा किसके स्वरूप में दिखेगा? हम सब बच्चों के, जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं ना, तो इनके स्वरूप में, इनके रूप में ही बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। सभी यही चाहते हैं ना, आप बाबा कहते हैं ये बात सब चाहते हैं, कब हो जाए, कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुन। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो। अब आप सब बच्चों को बाबा जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपके चलन से, कर्म से, बोल से, वाणी से बाबा प्रत्यक्ष होंगे। माना ये ब्रह्मा कुमार हैं, ये ब्रह्मा कुमार हैं, उससे बाबा को भी पहचान है। बाबा की भी पहचान कौन कराएगा? आप ब्राह्मण बच्चे कराओगे। तो बाबा ने ये जिम्मेदारी हम बच्चों को दे दी। और बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं, बाबा ने आपको आधार बनाया। और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त होने का आधार है। अब बाबा बच्चों से कहते हैं प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों होती है? बहुत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, फिर बाबा कहें प्रत्यक्षता में देरी क्यों, अभी अभी हो जाना चाहिए ना। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। अब बाबा प्रतिज्ञा और दृढ़ प्रतिज्ञा में अंतर बता रहे हैं। प्रतिज्ञा तो बच्चे रोज करते हैं, रोज संकल्प करते हैं बाबा ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा क्या होती है? बाबा कहते हैं एक तो साधारण प्रतिज्ञा, दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो उसकी निशानी है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा जा नहीं सकती। अब जान की बाजी की बात आ गई, तो छोटी छोटी समस्याएँ बा समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी हालात हों, कैसे भी हालात हों, कैसी भी समस्या हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हों लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती, कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा, जो किसी भी स्थिति में हिल नहीं सकते, जो किसी भी स्थिति में हार नहीं खा सकते, बल्कि बाबा के गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार करेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ प्रतिज्ञा।
तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं, साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या या कोई सरकमस्टांस माना कोई परिस्थिति होती है, तो जो प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाने का कारण होता है, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी बच्चे बहुत करते हैं। तो बाबा कहते हैं उस कारण को निवारण नहीं करते बल्कि बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बच्चे बहुत होशियार हैं। अब बहानेबाजी की निशानी क्या होगी? कहेंगे ऐसा नहीं था, ऐसा था। ऐसा नहीं होता है बाबा, वैसा नहीं होता है। इसने ऐसा किया, अब परिस्थिति ऐसी थी, बात ही ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा, ये जो भाषा है बाबा कहते हैं बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो बा वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अंडरलाइन करके इसको हम सब नोट करेंगे अपने पास कि बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसा करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरे सहयोग दें तो मैं संपन्न बनूं, बस संपूर्ण बनूं नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है देना ही लेना है। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वयं को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुवन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहाँ जाकर बहानेबाजी का खेल करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, मधुवन में खूब बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करके जाते हैं, बाबा हम ऐसे बनेंगे ऐसा करेंगे। फिर बाबा कहते हैं जब घर जाते हैं तो फिर बहानेबाजी के खेल करते हैं, बाबा ऐसा है वैसा हो गया। प्रतिज्ञा दृढ़ होने की बजाय कमज़ोर होने का, प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीन हो लेकिन एक छोटा सा पेच भी ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसा प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ बा प्लान को कमज़ोर करने का जो स्क्रू है वो एक ही है, अलबेलापन। माना दूसरी भाषा में उसको आलस भी कहते हैं। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है, सदा नए नए रूप लेकर आता है। अलबेलापन आलस के नए नए रूप आते हैं, पुराने रूप में नहीं आता है, नए रूप में आता है। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। ये तो होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। हो जाएगा देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है। बाबा यहाँ पर आज नहीं सुनने के बिल्कुल भी मन में नहीं है, बाबा का मूड नहीं है नहीं सुनने का। बाबा ने कहता नहीं, अब बच्चों की बहानेबाजी बंद। तो जैसा बाबा कहते हैं आपको क्या करना है, बाप जैसा बनना ही है। हो जाएगा नहीं, कर लेंगे नहीं, होना ही है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमज़ोर बनाने का आधार, पहले भी बाबा ने हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज़ है। नज़दीक की नज़र है स्वयं को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नज़र क्या है, दूसरों को देखना, उसमें भी कमज़ोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसीलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, हम तो हैं ही छोटे। तो दूर की कमज़ोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है।
इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। बाबा कहते हैं जो पास की नज़र कमज़ोर है माना स्वयं को नहीं देखते, दूसरे दूर की नज़र ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दूर की कमज़ोरी बाबा कहते हैं नज़र धोखा दे देती है। तो क्या करना है, पहले सौ को देखना है, स्वयं को देखना है। अब बाबा कहते हैं समझा कारण क्या है, तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा या नहीं, समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, यत्र तो है ना, इस वर्ष समझना चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना, तीनों को समान करना अर्थात बाबा के समान, शिव बाबा के समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे, चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। अब बाबा कहते हैं ऐसे पत्र आदि पे लिखना या किसी पेपर पे लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब कैसे लिखना है, बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प का ये कैसे लिखोगे, मस्तक पर लिख लो, दृढ़ संकल्प की स्याही से अपने मस्तक पर लिखो कि बाबा हमें आप जैसा बनना ही है। अब बाबा पूछते हैं बच्चों से लिखना आता है ना, मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है। सभी ने लिखा पक्का, कच्चा तो नहीं जो दो तीन दिन में मिट जाए, करना ही है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा, नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में हैं। अब बाबा मिलन था उस दिन, तो बाबा बच्चों को बहुत याद, बाबा तो अपने जो बच्चे मधुबन में हैं उनको भी और जो देश विदेश में हैं जो दूर पे हैं उनको भी बहुत याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं भल बच्चे मधुबन से दूर हैं लेकिन मन से मधुबन में हैं, इसीलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है, अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम की मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गईं। रिटर्न में बदले में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। तो सबने माला पहनी ना बच्चों ने, अपने गले में आज कौन सी माला डालनी है, बाबा के स्नेह की माला अपने गले में डालनी है। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना, बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल की आवाज़ पहुंच जाती है। तो कितनी सुंदर बात बाबा यहाँ पर हमको बता रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना, तो बाबा के जितने बच्चे सब मुरली सुन रहे हैं सबको बाबा का विशेष याद प्यार। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा के पास विशेष रूहानी वायरलेस सेट है जो इतना पावरफुल है अनेक बच्चों की दिल की आवाज़ बाबा के पास एक साथ पहुंच जाती है, ना सिर्फ आवाज़ पहुंचती है लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है, इसीलिए सभी को सम्मुख देखकर विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना चाहना और करना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा हमारी दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी दोनों ही बिल के पात्र हो, आदि की बिल भी और साकार स्वरूप के अंत के बिल भी, बिल पावर आ गई ना, बिल पावर की बिल, बिल पावर द्वारा सदा ही सौ के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य करा देती है।
ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पद्म गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं निमित्त क्यों बनी, कई सोचते हैं यही आत्माएं निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसीलिए गाया हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप दादा के मदद के। इसीलिए सदा सब बातों को पार करने की बिल पावर बिल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो, निभाने वाले को बाप भी अपना हर समय का सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो। प्रीत करने वाले तो अनेक होते हैं, लेकिन निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किसमें हो, कोटों में कोई हो या कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में कितना हंगामा हो रहा है, और आप बच्चे क्या कर रहे हो, दुनिया में चारों तरफ कितना हंगामा हो रहा है। बाबा के हम बच्चे क्या कर रहे हो, मौज मना रहे हो या मूंझे हुए हो, क्या करना है क्या होना है। आप कहते हो सब कुछ अच्छा होना है, तो फिर कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि आगे क्या होगा, और आपके पास क्या है, फुल स्टॉप। दुनिया वाले क्वेश्चन मार्क करते हैं आगे क्या होगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है, प्रकृति के पांचों तत्व भी चेंज हो रहे हैं, तो माँ कितनी कितनी कैसी कैसी वो अपना कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं इस नेचर को संभालने के लिए, क्या क्या करते हैं। तो दुनिया वालों के पास तो क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन आपके पास क्या है, फुल स्टॉप। आपको तो पता है ये सब होना ही है, जो हुआ सो अच्छा और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है, बाबा बच्चों से पूछते हैं डर लगता है, थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। आपके सामने कोई 7-8 गोली लग जाए तो डरेंगे, बाबा आज बच्चों को पूछ रहे हैं, आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आपके सामने किसी के 7-8 गोली लग जाए तो डरेंगे, नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय। अब बच्चों को बहुत निर्भय होने का समय आ गया, आने वाले समय में अभी 2-3 साल में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा। तो हम सब बच्चों को बार बार अभ्यास करना है, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना है। बाबा हमको बहुत तेज़ी से तैयार करा रहा है। तो बाबा कहते हैं शक्ति सेना अर्थात निर्भय, ना माया से भय ना प्रकृति की हलचल से भय, ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमज़ोरी है। अच्छा, बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं, सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हैं तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत प्रकृति जीत अनुभव करते हो, माया जीत बन रहे हो या अभी बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पे रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्व शक्तिमान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, मास्टर सर्व शक्तिमान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करें वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में हैं आपकी सर्व शक्तियाँ, बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसे ऑर्डर में हैं। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हैं या आगे पीछे होती हैं। ऑर्डर करो अभी और आए घंटे आधे घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्व शक्तिमान तो नहीं कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्व शक्तिमान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम नहीं आए तो उसको कमज़ोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे, बाबा बच्चों से पूछते हैं उसको कमज़ोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो, कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती
तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? अगर आपकी सर्वशक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो बाबा कहते फिर विश्व पे राज कैसे करेंगे? जैसे किसी समय आपको परखने की शक्ति की आवश्यकता है, किसी समय सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है, तो जब परिस्थिति निकल गई उसके बाद सोचा हमने सहन कर लिया होता तो बाबा कहते हैं तो फिर आपके ऑर्डर में नहीं है, और जब ऑर्डर में नहीं है तो फिर विश्व में पे राज कैसे करेंगे? तो हमको सर्व शक्तियों को ऑर्डर में रखना है। विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो। पहले 100 पर राज, फिर विश्व पर राज। 100 राज्य अधिकारी जब चाहें जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और करने में कभी तो विजयी हैं कभी कम हैं। कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन कभी विजयी बनते हैं तो कभी हार खा जाते हैं। तो कहने और करने में फ़र्क हो गया ना, तो अभी इसी फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें, दूसरे भी समझें कि ये आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हों लेकिन हजारों में आप न्यारे दिखाई दो। साधारण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ये अलौकिक जन्म है ना, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो, लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे ये न्यारे बने की निशानी है। जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे शिव बाबा सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हो यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। प्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, बाबा पूछते हैं प्यारे बनने की युक्ति आती है ना न्यारे बनने की। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना, तो सदैव अपने को देखो, देह भान से न्यारे रहते हैं? बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं? चेक करना है अपने को कि अपने को आत्मा समझते हो या ऐसा अभी भी इस देह के भान में हो। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए, तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के पास सर्व के प्यारे भी बनेंगे। तो डबल फायदा है ना। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्म प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए, तो सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। सदा ये गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, और उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, सभी खुश रहते हो? सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना और खुश करना है। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। ऐसा नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ दूसरे हो या ना हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ता है।
अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, 1 स्व से संतुष्ट, 2 बाप संतुष्ट, 3 लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। 1 स्व से संतुष्ट, 2 बाबा संतुष्ट, 3 लौकिक और अलौकिक परिवार भी आपसे संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है आज की मुरली से, याद और सेवा में सदा विजयी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो हम ब्राह्मणों की सबसे बड़ी खुशनसीबी आज बाबा ने बताई कि याद और सेवा में बिजी रहना, अपने मन को अपनी बुद्धि को याद में सेवा में। जब योग कर लिया, हो सकता है आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपका योग ना लगे, फिर क्या करें, सेवा में बिजी हो जाएं। कहीं ना कहीं अपने मन को बाबा के याद में सेवा में बिजी रखेंगे तो बाबा कहते हैं ये आप सब ब्राह्मण बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुश नसीबी है। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं अपने परमात्मा के समान आत्मा हूँ। तो बाबा प्रत्यक्षता का, बाबा हमको प्यार का स्नेह का सबूत क्या मांगता है कि बाबा के समान बनना है। तो हमें, हम बार बार इस समान का अभ्यास करेंगे, मैं अपने बाप के समान न्यारी प्यारी आत्मा हूँ, या मैं अपने पिता के समान परमात्मा के समान आत्मा हूँ। ओम शांति।